हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम इस वीडियो से बात शुरुआत करेंगे अपने बायोलॉजी सिलेबस फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्ज़ाम, यानी कि सिलेबस ऑफ बायोलॉजी की। तो आप में से जो सितंबर में एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर, आप कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें कुछ बेसिक आपके टर्म्स हैं बायोलॉजी में जो आती हैं, क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया था कि भाई उसके अंदर जूलॉजी है, बॉटनी है, साइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इंडोक्राइनोलॉजी है, नाइन सिस्टम्स है, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है साइटोलॉजी, इसको आम भाषा में हम लोग सेल बायोलॉजी बोलते हैं। इस सेल बायोलॉजी के अंदर में हम लोग दो जो सेल्स हैं उनके बारे में बहुत डीप में जाके पढ़ते हैं। पहला तो आपका है प्लांट सेल, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, एनिमल सेल है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि प्लांट सेल के कुछ फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं और एनिमल सेल के कुछ फीचर्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वायरस और बैक्टीरिया जो है हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं। एक साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं, पैरासाइट्स हैं, दोनों ही जो हैं आपके इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, या खासतौर पे वायरस जो है वो आपका इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर जाके इन्फेक्ट करता है। और वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बनता है, वो है लिस्ट ऑफ डिजीज, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिजीज। इसका मीन्स ये हो गया कि वायरस से होने वाली 10 डिजीज़ और बैक्टीरिया से होने वाली 10 डिजीज़ और उनके वेक्टर, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसके अगर हम बात करें प्रोटिस्टा ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और प्लांटिया ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ये इनिशियल आपका ग्रुप था इसको हम लोग पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और उसके बाद आपका एक एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर नहीं दे रखा है बट उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट टिश्यू और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारे आते हैं। फिर हम लोग प्लांट डिजीज़ करते हैं, एक ना एक डिजीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद इकोलॉजी और इकोसिस्टम, यानी कि इन्वायरमेंट भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पोल्यूशन जो कितने टाइप के पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। उसके बाद जो एनिमल टिश्यू होते हैं, बहुत सारे एनिमल आपके टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हो गए, कंबाइंड टिश्यू हो गए, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन में हम लोग खास तौर पे किसके बारे में पढ़ते हैं, एक तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, आपके लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं, आपके फैट्स के बारे में पढ़ते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि सिस्टम्स हमको करने होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल हो गया, लिवर हो गया, उसके एंजाइम्स हो गए। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जो लंग्स हैं उनके जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग हार्ट, आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रेटरी में हम लोग किडनी का जो माइक्रो लेवल का स्ट्रक्चर होता है, यानी नेफ्रॉन्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका नर्वस सिस्टम के बारे में बात की गई है। इंडोक्राइन में जो हमारी ग्लैंडें होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायरॉइड ग्लैंड हो गई, एड्रेनल ग्लैंड हो गई, ठीक है, पेंक्रियाज ग्लैंड हो गई, इनके बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम ऑफ मसल में, इसमें बोन्स हो गई, स्केलेटन मसल्स हो गई, उनके बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ह्यूमंस का, वो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, रिपीट हो गया। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपका हो गया। सेक्स डिटरमिनेशन, ये आपका कह सकते हो रिप्रोडक्शन सिस्टम का ही पार्ट हो गया। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, इसमें हम लोग जो हैं वो आपके डीएनए और आपके आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे कैसे स्टेजेस से हुआ, हॉर्स का एवोल्यूशन किस किस स्टेजेस में हुआ, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप समझ सकते हैं कि जो जेनेटिक्स है या जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्लोनिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन में आइज़, ईयर्स और टंग के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ और डिजीज़, वही वायरस और बैक्टीरिया कर लिया है तो सफिशेंट हो जाता है। एंटीबॉडीज, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। ह्यूमन डिजीज़, मैंने बताया वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ अगर पढ़ लिया तो ये चैप्टर भी हमारा हो जाता है। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में कंप्लीट हो जाता है। सम फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक एक लाइन के स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम कवर अप करते हैं।
और फिर ये जो सारी डिस्कवरीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये पूरा बायोलॉजी का आपका एक सिलेबस है जो आपके एनडी और सीडीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल बायोलॉजी अगर आप इस चैप्टर से मिला के पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं सही होने की जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं।